देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शैला राव। एक नजर अब तक की खास खबर पर। भारतीय किसान मजदूर महासंघ रजिस्ट्रेट के प्रदेश महासचिव श्री पहल सिंह यादव एवं जिला अध्यक्ष शीशवाल लाना ने मुख्य वार्ता में बताया कि उनकी कुछ मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर उनके द्वारा एक धरना दिनांक 16-17 को हकीकत नगर चौक सहारनपुर पर किया जाएगा। उनकी मुख्य मांगे थी NH 7273 बाईपास पर दोनों तरफ गैस लाइन पाइप के लिए जिन किसानों की भूमि बाईपास में जा रही है उन सभी को 12% का भुगतान किया जाए और जो हमारे मार्ग है गांव को जोड़ते हैं उन्हें सही कराया जाए और सभी ग्रामों के सभी ग्राम सभा को कार्य कराने के लिए प्राप्त धन उपलब्ध कराया जाए जिससे कि ग्राम सभा का विकास हो सके और इनकी अनेकों मांगे हैं जिनको यह 16 और 17 तारीख में घोषित करेंगे। उपस्थित भारतीय किसान मजदूर महासंघ के अतिथिगण श्री पाल सिंह यादव, जिला अध्यक्ष शीशपाल राणा एवं अन्य अतिथिगण दिनेश शर्मा, जोगिंदर सिंह फरमान, आरिफ पहल सिंह, संजय कुमार, पिंकू यादव, धर्म सिंह धीम सिंह आदि मौजूद रहे। योगेश कुमार के साथ बेनी प्रसाद की रिपोर्ट। मांग है कि जो गैस पाइप लाइन का आपके द्वारा भुगतान किया गया जो आपके द्वारा आभार में किया कि 12% प्रति वर्ष की संजय होगा जो हमको भुगतान किया जाए और इसके बराबर जो हमको खेत दौड़े जाने के लिए सर्विस होती है दोनों साइड में जो हमारी जमीनें बची हैं उनमें पानी का रास्ता दिया जाए और जो हमारा पेड़ है पेड़ जो पैसा है भुगतान नहीं किया और जो इनके द्वारा ठेकेदारी के द्वारा हमारे ग्रामीण मार्ग में जो है और ग्रामीण मार्गों को जो है तो ठीक कराया जाए। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है देहरादून है जो राष्ट्रीय राजमार्ग मुजफ्फरनगर है उनको जनपदीय राजमार्ग दिखाकर जो है द्वारा कार्य किया गया है उनका जो है राष्ट्रीय राजमार्ग दिखाया जाए उनसे हमारे जनपद की दो तीन लाइनें बंद है उनको चालू किया जाए और जो है हमारा गन्ना पता है। आप देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी।